देखें ग्रामीण न्यूज यूट्यूब पर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पारुल यादव और आप देख रहे हैं ग्रामीण न्यूज। पश्चिम बंगाल में रथ यात्रा की इजाजत न देने को लेकर बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस में सियासी जंग छिड़ गई है। शुक्रवार को बीजेपी ने राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर सीधा हमला बोला। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने ममता सरकार पर लोकतंत्र का गला घोटने का आरोप लगाया है। शाह ने कहा कि पंचायत चुनाव के बाद ममता की नींद उड़ी है, वो बीजेपी से घबरा रही है। बता दें कि बीजेपी ने ममता सरकार के फैसले के खिलाफ कलकत्ता हाई कोर्ट में भी अपील की है। शाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि राज्य में सरकार सत्ता का दुरुपयोग कर आम जनता की आवाज दबा रही है। शाह ने कहा कि राज्य के पंचायत चुनाव में बीजेपी के अच्छे प्रदर्शन से ममता बौखला गई है और लोकतंत्र का गला घोटने का कदम उठाया है। बता दें कि पश्चिम बंगाल सरकार ने बीजेपी की रथ यात्रा के आयोजन इस आधार पर अनुमति देने से इनकार कर दिया था कि इससे सांप्रदायिक तनाव फैल सकता है। शाह ने कहा कि रथ यात्रा के लिए राज्य सरकार से 8 बार इजाजत मांगी गई थी। शाह ने आरोप लगाया, जितनी हिंसा ममता बनर्जी के कार्यकाल में हुई उतनी हिंसा तो कम्युनिस्ट शासनकाल में भी नहीं हुई थी। हमने पंचायत चुनाव में 7,000 से ज्यादा सीटें जीतकर दूसरा स्थान हासिल किया है और इसी से ममता डरी हुई है। शाह ने आरोप लगाया कि राज्य के पंचायत चुनाव में बीजेपी के 20 कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई। उन्होंने कहा कि इन सभी हत्याओं में टीएमएस के कार्यकर्ता नामजद हैं। क्या राज्य सरकार बताएगी कि इसमें क्या प्रगति हुई है? पुलिस और टीएमएस के कार्यकर्ता राजनीतिक हत्याओं को श्रेय दे रहे हैं। शाह ने आरोप लगाया कि देश में होने वाली 100 राजनीतिक हत्याओं में 1/4 बंगाल में होती हैं। उन्होंने कहा राज्य में प्रशासन भी वोट बैंक की राजनीति में शामिल है। आतंकवाद और आतंकवाद फैलाने वाली संस्थाओं पर नकेल कसने की राज्य सरकार की क्षमता नहीं है। शाह ने आरोप लगाया कि राज्य में हर चीज का रेट तय है। उन्होंने कहा मेडिकल में दाखिले 15 लाख रुपए घूस देकर होते हैं, हर चीज का रेट तय है। अमित शाह ने कहा कि बंगाल की जनता परिवर्तन के लिए तैयार है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं ममता को बिना मांगे सलाह देता हूँ। टीएमएस हत्यारों को पनाह दे रही है, बीजेपी के कार्यकर्ता ममता के दमन से डरते नहीं हैं, बंगाल परिवर्तन के लिए प्रतिबद्ध हो चुका है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी द्वारा प्रस्तावित रथ यात्रा पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट में इस विवाद पर अगली सुनवाई 9 जनवरी को होगी। बता दें कि बीजेपी का 7 दिसंबर से उत्तर प्रदेश में कूच बिहार से अभियान शुरू करने का कार्यक्रम है। इसके बाद 9 दिसंबर को दक्षिण परगना जिला और 14 दिसंबर को वीरभूमि जिले में तारापीठ मंदिर से भारतीय जनता पार्टी का रथ यात्रा शुरू करने का कार्यक्रम है। बीजेपी चीफ शाह का राज्य में पार्टी की लोकतंत्र बचाओ रैली आयोजित करने का कार्यक्रम है, जिसमें 3 रथ यात्राएं शामिल हैं। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई तो इसे फेसबुक पर लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए ग्रामीण न्यूज यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।